जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर लेक्चर 9। सो फर्स्ट वी विल रिकैप क्विकली अबाउट लेक्चर 8। सो बताएं मुझे आपने लेक्चर 8 में क्या कुछ पढ़ा था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिव्यू में कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी। फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, आई थिंक वी डिस्कस फोर फील्ड इन अवर लास्ट लेक्चर, लेक्चर 8। कौन बताएगा मुझे फोर फील्ड्स कौन सी थी? बहुत इंटरेस्टिंग थी और हमने इन डेप्थ में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मुझे बताएं फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन सी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको डेली लाइफ में चीज़ देखने में आएगी। और जी आप बताएं फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, गुड, ओके, 1 मिनट। आप बताएं आप फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये फील्ड है, गुड, आई एम ग्लैड टू नो कि आपने आंसर किया है और अच्छे आंसर्स किए हैं। इसका मतलब है वेरी गुड, आप रिवीजन करके आए हैं, लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप रिवाइज करके चीज़ आते हैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठते हैं, तो शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग हो रही है नहीं हो रही? आपस में डिस्कशन हो रही है नहीं हो रही? गुड, आजकल तो मोबाइल भी फ्री हैं भाई, मिनट्स फ्री हैं आपके, तो जो फ्री मिनट्स आपके पास होते हैं वो इस काम पे लगाया करें, थोड़ी नॉलेज शेयरिंग हो जाए। और कोई एक दूसरे से कंजूसी वाली बात नहीं करने, शेयर नॉलेज जो है शेयर करने से नॉलेज इन्हांस होता है, इजाफा होता है, नॉलेज बढ़ता है। तो आपस में ज़रूर डिस्कशन किया करें। ओके, फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फोर फील्ड्स वी डिस्कस इन आवर लास्ट लेक्चर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, गुड। तो अब मुझे कौन बताएगा जस्ट टू डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? टू डिफरेंस प्लीज मुझे बता दें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। जी आप, वेरी गुड, गुड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट? लाइक इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पूरी वर्ल्ड में एक होगा, स्टेटमेंट फाइनेंशियल का एक होगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज नहीं है। वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट किस तरह की रिपोर्ट्स मांगते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं उनके, ठीक, गुड। एंड सेकेंड, जी आप, सेकेंड डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, गुड गुड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज 100% प्योर फाइनेंशियल, 100% प्योर नंबर्स, बट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? एनी वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? वेरी गुड, आप जो मैंने एग्जाम्पल दी आपने वही कोट की, लेकिन गुड, आई एम ग्लैड। नॉन फाइनेंशियल, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की सेल्स हुई है 100 मिलियन की, ये 100% फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपके इनकम स्टेटमेंट में हेड लिखा, सेल्स 100 मिलियन, ऐसे ही है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सेल्स कहाँ पे हुई है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कंपनी थी, 100 मिलियन की सेल्स हुई, कहाँ पे हुई है सेल्स? हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि सेल्स कराची में हुई है, फैसलाबाद, लाहौर, कहाँ हुई है, खैबर पख्तूनख्वा, क्वेटा में, गिलगित में, AJK में, कहाँ पे हुई है, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, गुड। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमने किया है 5 मिलियन का, लेकिन क्या रिस्पॉन्स हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, गुड। यस, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, याद है आपको लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने, व्हाट इज इंटरनल ऑडिटर, हु आर इंटरनल ऑडिटर, हु आर एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरेस्टिंग। किसने, मैंने आपसे कहा था मैं पूछूंगा आपसे मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैन रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तो किसने किया हुआ होमवर्क? गुड, लगता है आप लोगों ने होमवर्क किया हुआ थोड़ा सा, ओके। व्हाट इज गैप, गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, याद आ गया आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कौन से थे? आपको मैंने बताया थे 4-5, हमने डिस्कस करने आगे
लेकिन आपको थोड़ा आइडिया दिया था. ये बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, मेटेरियलिटी, प्रूडेंस, फाइव मेन प्रिंसिपल्स ऑफ गैप. गैप का मैंने आपको बताया था कि गैप में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस कंपनी लॉज. सो इसलिए थोड़ा से गैप जो है वो वर्ड यूज करते हैं, ये यूके गैप है, ये यूएस गैप है, या पाक गैप है, पाकिस्तान गैप. व्हेन वी टॉक अबाउट यूके गैप, यूएस गैप, क्या मतलब होता है कि उसमें उन कंट्रीज का कंपनी लॉज इनकॉर्पोरेट है, इसलिए वरना गैप जनरली सब एक ही है, लेकिन जब लोकल लॉज इनकॉर्पोरेट होते हैं तो उसको नाम दे देते हैं उस जिस कंट्री में होता है. यूके गैप, यूएस गैप, गैप मेन, ये फाइव प्रिंसिपल्स हैं गैप के जो आपके जहन में होने चाहिए. बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, प्रूडेंस. सो नाउ बिजनेस एंटिटी, के बिजनेस एंटिटी क्या है. व्हेन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, एवरी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी. व्हेन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, एवरी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी. अ सोल ट्रेडरशिप हैज बिजनेस रिकॉर्ड सेपरेट फ्रॉम द ऑनर्स पर्सनल रिकॉर्ड्स, जस्ट एज ए कॉरपोरेशन हैज रिकॉर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स. बिजनेस एंटिटी, इसका मेन बताने का पर्पज यह है कि जब आप बिजनेस करते हैं किसी भी फॉर्म्स में करें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक वी डिस्कस बिफोर, डिफरेंट फॉर्म्स हैं. एक सोल ट्रेडर है जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, सेकंड पार्टनरशिप्स हैं, थर्ड कॉरपोरेशंस, लिमिटेड कंपनीज. जब भी आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, उसका आपके पर्सनल एसेट से, पर्सनल एक्टिविटी से कोई तलक नहीं होता. बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी. फॉर एग्जांपल, आप सोल ट्रेडर करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं अपना, आपका बिजनेस एक अलग बिजनेस एंटिटी है और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज वगैरह अलग चीजें हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी. सेम लाइक इन लिमिटेड कंपनीज, बड़ी कॉरपोरेशंस, एक कॉरपोरेशंस एक अलग एंटिटी है, शेयर होल्डर्स उसके ऑनर्स हैं, लेकिन उनका अपनी जो वेल्थ है या अपनी जो पर्सनल एसेट्स हैं उससे टोटली सेपरेट है. तो बिजनेस एंटिटी ये एक गैप का एक बेसिक प्रिंसिपल है जब आप बिजनेस को ट्रीट करते हैं. ऑब्वियसली गैप जो है ये बड़ी हम जब भी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, वी ऑलवेज टॉक अबाउट बिग कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, कंपनीज अबाउट दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, लिमिटेड कंपनीज. पाकिस्तान में उसको लिमिटेड कहते हैं, बाहर के ममालिक में PLCs कहते हैं, INC भी कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन. सो गैप का पहला प्रिंसिपल है कि बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है शेयर होल्डर से हटके. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल. सेकेंड, गोइंग कंसर्न. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ गैप एंड आई वुड से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस फाइव, ऑल फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ गैप. गोइंग कंसर्न, आप कल को जॉब्स में जाएंगे इंशाल्लाह, इंटरव्यू देंगे, ये बेसिक्स पूछा जाता है, बताएं गोइंग कंसर्न क्या है, बिजनेस एंटिटीज क्या है, गोइंग कंसर्न क्या है. गोइंग कंसर्न क्या चीज है? अ गोइंग कंसर्न इज अ बिजनेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अनलेस देयर इज एविडेंस दैट द बिजनेस इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज एंड मे सीज ऑपरेटिंग. ये जो हम गैप के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब इसलिए अप्लाई होता है कि मेन पर्पस, अल्टीमेट पर्पस है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स मिले. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर पिक्चर हो. और अब इस गोइंग कंसर्न में, गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं
और जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं, जो ऑडिटर्स हैं वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं या साइन कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि कंपनी को गोइंग कंसर्न इशू प्रॉब्लम नहीं है। गोइंग कंसर्न का सिंपल वे में मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस नेक्स्ट फॉरसीएबल फ्यूचर होता है नेक्स्ट एटलीस्ट वन अकाउंटिंग ईयर, कहीं वाइंड अप तो नहीं हो रहा, बंद तो नहीं हो रहा, लिक्विडेट तो नहीं हो रहा, बैंकक्रप्ट तो नहीं हो रहा, या किसी वजह से बिजनेस एक्टिविटी बंद तो नहीं हो रही। क्यों? फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, उस कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, आप इंस्पायर्ड हुए, आपको जब पता चला या आपके नॉलेज में आया कि आपके किसी दोस्त के शेयर्स थे या आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने भी उस कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए। जब आपने शेयर्स बाय किए, आफ्टर 6 मंथ्स कंपनी बंद होगी। आपको बड़ा अफसोस हुआ, बाद में पता चला कंपनी को गोइंग कंसर्न इश्यू था। क्या? कि कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो रहे थे उस वक्त कंपनी को गोइंग कंसर्न इश्यू था। गोइंग कंसर्न इश्यू होने का मतलब यह है कि कंपनी 1 साल के अंदर बंद हो रही है। तो इसलिए गैप का सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि कंपनी को कहीं गोइंग कंसर्न इश्यू तो नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न इश्यू है तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेंशन करेंगे कंपनी को गोइंग कंसर्न इश्यू है, डिस्पाइट कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। लेकिन आप बताएं किसको बताएं? यूजर्स को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने एक कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, क्या आप उस कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे बेशक जिसने बताया हो कि इस साल हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है लेकिन उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ कि इसको गोइंग कंसर्न इश्यू है, ये आगे बंद होने जा रही है, ऑब्वियसली कि आप उसके शेयर्स बाय नहीं करेंगे। तो गोइंग कंसर्न क्या चीज है? गोइंग कंसर्न अ बेसिक प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग दैट अज्यूम्स अ कंपनी विल कंटिन्यू दैट अज्यूम्स दैट कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। दोबारा इसको देखें, अ बेसिक प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग दैट अज्यूम्स अ कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है कि आप ये अज्यूम करते हैं कंपनी फॉरसीएबल फ्यूचर मीन जिसे मैंने बताया एटलीस्ट वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना? तो ये बेसिक प्रिंसिपल अकाउंटिंग का कि आप अज्यूम करते हैं कि कंपनी जो है 1 साल आगे बंद नहीं होगी, चलेगी, ठीक है ना? तो इसमें ये यूजर्स के लिए है। लेकिन कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल फाइंड दैट कंपनी इज गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम? कैसे पता चले कंपनी गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है? सो गोइंग कहते हैं ना कि आपकी कंपनी, ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्रॉफिट में चल रही है लेकिन कंपनी का गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है। जब ऐसा नहीं होता कि कंपनी कहीं बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही होती है, उन्हें गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम होता है कि ये अगले साल बंद हो जाएगी। जब ये खबर, जब ये न्यूज़, जब ये इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को मिलती है, कौन? शेयर होल्डर्स को भी और न्यू शेयर होल्डर्स को भी जो बनने जा रहे हैं। न्यू शेयर होल्डर्स तो बिल्कुल ही शेयर बाय नहीं करेंगे और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर सेल कर देंगे। आपने किसी कंपनी के शेयर्स आपके हाथ में हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि ये कंपनी बंद होने जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आपका एक्शन क्या होगा, बल्कि आपका रिएक्शन क्या होगा जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी दिस कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप इन नियर फ्यूचर इन 3 मंथ्स इन 4 मंथ्स इन 6 मंथ्स टाइम? व्हाट विल बी योर रिएक्शन? ऑब्वियसली योर रिएक्शन विल बी यू विल सेल दोज शेयर्स विच यू विल बी हैविंग इन योर हैंड। आप वो शेयर्स फौरन सेल करने की कोशिश करेंगे जो आपके हाथ में रखे हुए होंगे, ठीक है ना? आप बेच देंगे कि कंपनी बंद होने जा रही है। और अगर लेट्स सी आपके उस कंपनी के पास शेयर्स नहीं है, कंपनी ने बेशक प्रॉफिट किया लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न इश्यू है। गोइंग कंसर्न इश्यू का मतलब है कंपनी शायद बंद हो जाए 1 साल के अंदर, क्या आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। बट द क्वेश्चन इज हाउ वी विल फाइंड दैट कंपनी हैज गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम? हाउ वी विल फाइंड द कंपनी हैज गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम? हमें कैसे पता चलेगा? ये ऑडिटर्स को कैसे पता चलेगा? हमें तो ऐसे पता चलेगा
कि आपको मुझे ये गम जो शेयर होल्डर हैं या बायर के लोग हैं रिपोर्ट में लिखा होगा, ऑडिटर्स की रिपोर्ट में लिखा होता है कि कंपनी को गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है, ये तो हमें, लेकिन ऑडिटर्स को कैसे पता चलेगा कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल्स, डिसीजंस इन बोर्ड, बीओडी बोर्ड मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिसीजन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग टू वाइंड अप मेजर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पी आर ओ जे ई सी टी है, सॉरी दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, जे ई सी टी और प्रोडक्ट लाइन। डिसीजंस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग टू वाइंड अप मेजर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट लाइन, जो कंपनी के बड़े फैसले होते हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक, उस कंपनी का मेजर प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मेजर प्रोजेक्ट्स लाहौर में लग रहा है, पाकिस्तान में कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसका एक मेजर प्रोजेक्ट लाहौर में है। कंपनी जो है वो 100 मिलियन सेल्स करती है, कितनी करती है, 100 मिलियन की सेल्स करती है पूरे साल में, 100 मिलियन की, 100 मिलियन की सेल्स। उस 100 मिलियन की सेल्स में 75 मिलियन की सेल्स जो है वो लाहौर का प्रोजेक्ट जो है, लाहौर का जो ऑफिस है या लाहौर की जो फैक्ट्री है वो बनाती है। ठीक, कंपनी क्या करती है, 100 मिलियन की सेल्स है, उस सेल में से 75 मिलियन की सेल्स कंपनी की लाहौर का जो ऑफिस है, लाहौर की जो फैक्ट्री है, लाहौर का जो प्रोजेक्ट है वो बनाता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फॉर सम रीजंस, हम रीजंस में नहीं जाते, कोई भी रीजंस थे, मार्केट की रीजंस थी, सिक्योरिटी इश्यूज थे और कोई इश्यू था, उस इश्यू की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और मीटिंग में डिसीजन हुआ कि हमें लाहौर का प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए, लाहौर का प्रोजेक्ट शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक, अब जब ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बोर्ड की जो भी मीटिंग होती है उसकी जो डिस्कशंस हैं, बाकी चीजें, ये सब चीजें ऑडिटर्स की अप्रोच में होती है, ऑडिटर्स की पहुंच में होती है, ऑडिटर्स बोर्ड की मीटिंग के मिनट्स डिस्कशंस जो भी होती हैं वो उनको अथोराइज होता है, अथॉरिटी होती है चेक करने की, रीड करने की। ऑडिटर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के नोट जब पढ़े, उनके नॉलेज में ये इन्फॉर्मेशन आई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है, ये फैसला किया है कि हम लाहौर का प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं। जब लाहौर का प्रोजेक्ट बंद करेंगे तो उसकी 100 मिलियन की जो सेल हो रही थी उसमें से 75 मिलियन की सेल कहाँ से आ रही थी, लाहौर से। तो मेजर प्रोडक्ट जहाँ से आ रही थी या प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही थी वो बंद हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि कंपनी को गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इतना 75% जिस कंपनी के प्रोडक्शन बंद हो जाए तो वो कंपनी लिक्विडेशन की तरफ चली जाती है, उसका बिजनेस बहुत कम हो जाता है। तो ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में ये चीज मेंशन करेंगे कि डिस्पाइट के कंपनी ने इस साल अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, सारे प्रॉफिट अच्छे हैं, लेकिन सर नोट लिख देंगे कि फॉरसीएबल फ्यूचर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कंपनी बहुत स्ट्रगल करेगी, कंपनी को प्रॉब्लम है। क्यों? कंपनी ने अपनी मेजर प्रोडक्शन लाइन जो है लाहौर में 75% आउट ऑफ 100 मिलियन जो 75 मिलियन की सेल का प्रोजेक्ट था वो बंद कर रही है। तो ये एग्जाम्पल है गोइंग कंसर्न की, ठीक है ना। और आप बताएं, जब उस कंपनी के अकाउंट्स प्रोड्यूस होंगे, जब मार्केट में इंफॉर्मेशन जाएगी और लोग पब्लिक जो है देखेंगे कि हाँ जी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, अच्छा बिजनेस किया, लेकिन फॉर सम रीजन वो अपना लाहौर का प्रोजेक्ट बंद करें, तो उस कंपनी में कोई शेयर बाय नहीं करेगा, रिस्की हो जाएगा, बल्कि जिन लोगों के शेयर हैं भी वो भी इसको सेल कर देंगे। दिस इज दैट वॉज फर्स्ट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न। सेकेंड एग्जाम्पल, एम्प्लॉई हु नो द बिजनेस एंड हु हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड वेंडर्स। कुछ बिजनेसेस, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो की स्टाफ पे चल रहे होते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज पे जिनकी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन उस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वाइटल होते हैं, राइट?
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल होते हैं. अब वो एम्प्लॉई जो फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, एक बिजनेस है, उसमें फाइव की एम्प्लॉइज हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी कोई भी एक्सपर्टीज है. फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें फाइव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो जिनकी वजह से कंपनी चल रही है, जिनकी एक्सपर्टीज की वजह से, जिनके एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी जो सॉफ्टवेयर बना रही है वो सेल हो रहे हैं. अगर वो फाइव एम्प्लॉयज कंपनी से निकाल दी जाए, कंपनी ड्रॉप हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है. अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये फाइव एम्प्लॉयज कहीं और जॉब ले लिए, उन्होंने ये जॉब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, या कोई और बिजनेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब है कंपनी को गोइंग कंसर्न इश्यू है, कंपनी बंद हो जाएगी अभी 6 माह 8 माह के अंदर. फॉरसीएबल फ्यूचर का मतलब है 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक. अब लेट्स सी, आपका कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से दिसंबर, अक्टूबर में आके ऑडिटर्स चेक करते हैं और ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन को पता चलता है कि ये फाइव एम्प्लॉयज जो की एम्प्लॉयज हैं, और इन अगर ये चले जाते हैं कंपनी नहीं चल सकती आगे, या कंपनी के प्रॉफिट से कंपनी की सेल बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. वो रिपोर्ट्स जब बनाएंगे वो तो जनवरी टू दिसंबर की है, उसमें कंपनी ने बहुत अच्छा अर्न किया होगा, लेकिन साथ वो रिपोर्ट में लिख देंगे कि ये फाइव एम्प्लॉयज जो हमें पता चला है, हमारे नॉलेज में आया है कि ये कंपनी छोड़ रहे हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए और एक्सटेंड नहीं हो रहे, और ये दे आर गोइंग टू ज्वाइन अदर कंपनी और दे विल बी लीविंग द कंपनी इन मार्च और अप्रैल टाइम. तो वो जरूर लिखेंगे कि कंपनी को गोइंग कंसर्न इश्यू है. इन फाइव एम्प्लॉयज की जाने की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली कंपनी की सेल तो ड्रॉप होगी, हुई कंपनी शायद लिक्विडेट हो जाए, बंद हो जाए. तो ये सेकंड एग्जांपल थी किसकी, गोइंग कंसर्न. सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा गोइंग कंसर्न क्या चीज है. गोइंग कंसर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैप, जनरल सेफ्टी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है. और जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, पहला हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी, उस बेस पे बनती है कि बिजनेस एक अलग चीज है और ऑनरशिप एक ऑनर्स के अलग होते हैं. बिजनेस के एसेट बिजनेस के एसेट्स, पर्सनल एसेट्स शेयर होल्डर के पर्सनल, वो एक अलग है. सेकेंड नंबर पर गोइंग कंसर्न, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, मेक श्योर किया जाता है कि इसमें गोइंग कंसर्न का इशू इसमें शामिल हो. अगर कंपनी को गोइंग कंसर्न है, ये डेंजर है, ये खतरा है, ये चीज सामने आई है कि कंपनी फॉरसीएबल एक साल में बंद हो रही है, देन ऑडिटर्स की प्राइमरी लीगली उनकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज को मेंशन करें रिपोर्ट के अंदर, जस्ट फॉर किसके लिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सेकंड एक और एग्जांपल्स, वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ गोइंग कंसर्न, फिक्स्ड एसेट्स. कंपनीज के जो एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं, कंपनीज के जो एसेट्स हैं, यूजली कंपनीज के एसेट कॉस्ट पे होते हैं. फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट में क्या होता है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ठीक है, ये सब आपके क्या है, फिक्स एसेट्स हैं. ये फिक्स एसेट्स जो है कंपनी के कॉस्ट पे चल रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब बिल्डिंग ली थी उसकी प्राइस, फिर उसको डिप्रिसिएट कर रहे होते हैं, कॉस्ट पे होते हैं, ठीक. लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी सेल करनी है, क्या करनी है, सेल करनी है, बेचनी है, तो आप अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लाएंगे. क्यों लाएंगे एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे, बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे नॉर्मली हमारे फिक्स एसेट जो हैं वो कॉस्ट पे होते हैं, जिस प्राइस पे हमने लिए होते हैं उस पे लिखा होता है, और साथ डिप्रिसिएशन हो रही होती है. लेकिन अगर आप अपनी कंपनी सेल कर रहे हैं तो जाहिर है आप अपनी कंपनी के एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू शो करेंगे, तभी आपको उसकी अच्छी प्राइस मिलेगी. जब कंपनी अपने फिक्स एसेट को कॉस्ट पे रखने की बजाय मार्केट वैल्यू पे लेके आती है, वो एक इंडिकेशन होती है कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी सेल हो रही है. यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. यूजुअली हम अपने फिक्स एसेट्स को, कंपनीज फिक्स एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में, जिसको न्यू नेम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में, किस पे रखते हैं, कॉस्ट वैल्यू पे. लेकिन अगर वो उसको मार्केट वैल्यू पे रखते हैं, मार्केट वैल्यू पे इसीलिए रखेंगे कि उनका इरादा होगा सेल करने का कंपनी को,
ठीक है, जब कंपनीज ये एक्शन लेती हैं, इसका मतलब कंपनी इज गोइंग कंसर्न इश्यू। गोइंग कंसर्न में सिर्फ ये नहीं होता कि कंपनी बंद हो रही है, अगर कंपनी सेल भी हो रही है तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए ये कंपनी अगले साल सेल हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर सेल हो रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कोर के फिक्स एसेट नॉर्मली कॉस्ट पे होते हैं। अगर कंपनीज फिक्स एसेट को कॉस्ट की बजाय मार्केट वैल्यू पे शो कर रही है, दिस मीन कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप। ओके, बट इफ पुट ऑन मार्केट वैल्यू देन इट्स द साइन ऑफ सेलिंग और वाइंडिंग अप द बिजनेस। ठीक है ना, फिक्स एसेट नॉर्मली शुड बी ऑन कॉस्ट वैल्यू, नॉर्मली यूजली कॉस्ट वैल्यू होते, बट इफ पुट ऑन मार्केट वैल्यू देन इट्स अ वेरी सिग्नल, वेरी ब्राइट साइन, वेरी क्लियर साइन ऑफ सेलिंग और वाइंडिंग अप बिजनेस। सो अब आई थिंक अब आपको गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट वेरी मच क्लियर होना चाहिए। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की दी कि अगर डिसीजन हो कि मेजर प्रोडक्ट लाइन या ये चीज बंद कर दी जाए। सेकेंड आपको एग्जाम्पल दी कि इम्प्लॉइज अगर उनकी वजह से बिजनेस चल रहा है वो छोड़ के चले जाए, ये जा रहे हों। देन आई गेव यू अनदर एग्जाम्पल अबाउट एसेट्स, फिक्स एसेट्स अगर कॉस्ट की जगह मार्केट वैल्यू पे आए हों, सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन की कंपनी फ्यूचर में सेल हो रही है, वाइंड अप हो रही है। सो गोइंग कंसर्न का आपको मैं कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, विच मीन्स दैट द कंपनी इंटेंड्स टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस एंड इज एबल टू डू सो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा बेस पे होती है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है। ठीक है, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम में आ जाए इसका मतलब कंपनी वाइंड अप हो रही है। द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी डिटरमिन, बात देखते हैं कौन डिटरमिन करता है। द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी डिटरमिन वेदर द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट एट द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स, ये उनकी स्टेचुरी और लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वो डिटरमिन करते हैं वेदर द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। जिस दिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करते हैं, एट द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करते हैं इसका मतलब है वो यूजर्स को बता रहे हैं पोजीशन कि इसकी पास्ट में ये पोजीशन थी, लेकिन फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कंपनी को गोइंग कंसर्न इश्यू है या नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न इश्यू नहीं है तो वो नहीं मेंशन करेंगे। तो ये वो डिटरमिन करते हैं कि कंपनी को गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैप इज कंसिस्टेंसी। क्या चीज है कंसिस्टेंसी? उर्दू में कंसिस्टेंसी का मतलब है कंसिस्टेंट रहना, तसलसल रखना, एक चीज का तसलसल रखना। जैसा मैं आपसे कहूँ जी कि आप पढ़ाई करते हैं लेकिन आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ मंडे ट्यूजडे स्टडी करते हैं, फिर वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फोर डेज कुछ भी नहीं करते, फिर मंडे ट्यूजडे करते हैं, फिर कुछ नहीं कंसिस्ट। लेकिन आपको स्टडी में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। एवरी डे आपको 3 आवर्स पढ़ना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे आप 3 आवर्स पढ़े, फिर वीकेंड पे एंजॉय करें, इस पर कंसिस्टेंसी रखें। ठीक है ना, तो हर चीज के अंदर कंसिस्टेंसी अच्छी चीज होती है, तसलसल रखना। अब अकाउंटिंग में गैप कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी का क्या रोल है क्या कंसिस्टेंसी? द कंसेप्ट कंसिस्टेंसी मीन्स दैट अकाउंटिंग मेथड्स वंस अडॉप्टेड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली इन फ्यूचर। जो अकाउंटिंग मेथड्स हैं या अकाउंटिंग अप्रोचेज हैं जो एक दफा अडॉप्ट की जाए उसको फिर उसी से आगे चलाना चाहिए। अकाउंटिंग मेथड्स हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स हैं, ठीक है, हम अभी डिस्कस करते हैं। ऑल्सो सेम मेथड्स एंड टेक्निक्स मस्ट बी यूज फॉर सिमिलर सिचुएशंस। ऑल्सो सेम मेथड एंड टेक्निक्स मस्ट बी यूज फॉर सिमिलर सिचुएशंस। अब अकाउंटिंग मेथड्स, आप डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि अकाउंटिंग जो है वो अभी हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स में बताता हूँ। अकाउंटिंग मेथड्स हैं कि आप अपने बिल्डिंग को इस तरह ट्रीट करें, लेकिन अकाउंटिंग मेथड्स बिल्डिंग को ट्रीट करने के 3 मेथड्स बता रहा है। कितने मेथड? 3 मेथड्स बिल्डिंग को ट्रीट करने का बता रहा है कि बिल्डिंग को आप ऐसे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। अब
कंपनीज कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अगर आपने मेथड ए अडॉप्ट किया है तो आप उसी को आगे एवरी ईयर अडॉप्ट रखें, ये नहीं कि वन ईयर आपने एक मेथड यूज किया, सेकेंड ईयर दूसरा मेथड यूज किया, थर्ड ईयर थर्ड मेथड यूज किया है. आप जो अकाउंटिंग मेथड्स यूज करते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी रखें, ठीक है, जो टेक्निक्स यूज करते हैं. कंसिस्टेंसी इट इंप्लाइज दैट अ बिजनेस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी अनलेस ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स. बिजनेस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी. जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग मेथड यूज करते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी रखें, एवरी ईयर वही रखें, ठीक है. आप चेंज कर सकते हैं अनलेस वेरी रीजनेबल ग्राउंड्स हो, कोई जस्टिफिकेशन हो कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं ये रूल्स. पहले आप तो अकाउंटिंग मेथड येला यूज कर रहे थे, अब आप येला मेथड दूसरा मेथड क्यों यूज कर रहे हैं. आप चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग लॉज आपको प्रोहिबिट स्टॉप नहीं करते, लेकिन आप उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं. ओके, आपने चेंज किया, किसी वजह से आपको सूट नहीं आया, नेक्स्ट ईयर आपने चेंज कर दिया, फिर कोई आपको सूट नहीं किया चेंज किया, लेकिन आप एवरी ईयर अकाउंटिंग मेथड चेंज करेंगे वो रीजनेबल नहीं है. गैप आपको एडवाइस करता है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जो भी अकाउंटिंग मेथड आप यूज करें उसमें कंसिस्टेंसी रखें. इफ फॉर एनी वैलिड रीजंस, इफ फॉर एनी वैलिड रीजंस द अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज, अ बिजनेस मस्ट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ चेंज, द रीजन फॉर द चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जैसे मैंने भी आपसे जिक्र किया कि आप अकाउंटिंग मेथड्स पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर बिजनेस एक तो जस्टिफाई करे, कोई रीजनेबल ग्राउंड्स बताए कि आप क्यों अकाउंटिंग मेथड्स या पॉलिसी एवरी ईयर चेंज करें, और फिर उसको डिस्क्लोज करे कि किस किस्म की चेंज है, नेचर ऑफ चेंज, द रीजन फॉर द चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये फिर चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करनी होगी कि आप नेचर ऑफ चेंज, द रीजन फॉर द चेंज एंड इफेक्ट्स फॉर द चेंज, राइट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द नीड फॉर कंपेरेबिलिटी, बिकॉज फॉर द नीड ऑफ कंपेरेबिलिटी, दैट इज इट इनेबल्स इन्वेस्टर्स एंड अदर्स यूजर्स of financial statements to easily and correctly compare their financial statement of a company. Consistency concept is important because of the need of comparability. Ab need for the comparability, compare kar rahe hain aap, companies ko compare karte hain na, companies different companies ki performance ko aap compare karte hain. Jaise Ufone, two companies hai, one is Ufone, one is JS. दो कंपनी है मोबिलिंक यूफोन, ऐसा है, हम इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं. इंडस्ट्री एक ही है, इंडस्ट्री टेलीकॉम, राइट. लेकिन अगर यूफोन एवरी ईयर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर रहा है, और ठीक है एवरी ईयर चेंज कर, और जेएस नहीं कर रहा, हम इसको कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, कहीं पे यूफोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है लेकिन पता चला इन्होंने ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है. चलो चेंज किए फिर देख लेते हैं, अगर दोबारा चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी में प्रॉब्लम होती. ये तो यू फोन और जेज है, चलें जेज को उठा दें. यू फोन की अपनी आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं लास्ट ईयर का, दिस ईयर से तो पता चला लास्ट ईयर में ये था, इस साल ऐसा नहीं, क्योंकि अभी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हमने किए हैं. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी ना रखने की वजह से आप कंपेरेबिलिटी चेंज नहीं कर, सही कंपैरिजन नहीं कर सकते, और जो इन्वेस्टर्स हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो करेक्टली अंदाजा नहीं लगा सकते कंपनी की परफॉर्मेंस का. यूजर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंपनी के एनालिसिस सही तरह नहीं कर सकते अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में, अकाउंटिंग मेथड्स में तसलसल ना हो, कंसिस्टेंसी ना हो. अब इसकी एग्जांपल्स आप देखें, कंसिस्टेंसी की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं. वेरी गुड, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन में
कितने मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं. फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है. आपने हमारी बिल्डिंग्स हैं, फर्स्ट करें हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी की 10 बिल्डिंग्स हैं. कितनी 10 बिल्डिंग्स है डिफरेंट लोकेशंस पे. हम बिल्डिंग्स पे डिप्रिसिएशन लेते हैं ना, डेप्रिशिएट करते हैं, ओके. अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5 बिल्डिंग को स्ट्रेट लाइन पे लें मेथड पे और 5 को आप रिड्यूसिंग बैलेंस में लें. डिफरेंट ले रहे हैं आप जो एसेट्स हैं आपके, जो आपके एसेट्स हैं, कौन से एसेट्स हैं, बिल्डिंग, आप सबको एक ही मेथड पे लेंगे स्ट्रेट लाइन में, या आप सबको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लेंगे, एक मेथड रखेंगे इनके लिए. पिक एंड चूज नहीं करेंगे, नहीं इस बिल्डिंग पे आप स्ट्रेट लाइन ले लें, इस पे रिड्यूसिंग मेथड ले लेना, एक मेथड. सेकंड, उसी मेथड को आप नेक्स्ट ईयर भी रखेंगे और नेक्स्ट ईयर भी रखेंगे, द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर भी रखेंगे. आप चेंज कर सकते हैं मेथड, लेकिन आप जस्टिफाई करेंगे, एक रीजनेबल उसकी ग्राउंडिंग बताएंगे कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक. सो ये एग्जांपल मैंने आपको दी, कंपनी की 10 बिल्डिंग्स हैं, 10 के 10 को वो एक मेथड पे डेप्रिसिएट करे, या सबको स्ट्रेट लाइन पे करे, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करे, ठीक. सेकंड आप आ जाए वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं, डिफरेंट स्टॉक होता है कंपनी के पास, ठीक है. जब स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, मेथड्स क्या हैं, फाइफो मेथड है, लाइफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है. अब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, आपकी कंपनी जो चीजें सेल करती है वो 20 के करीब हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. अब आप चूज करें जी, नहीं इन फाइव जो प्रोडक्ट्स हैं इनको फाइफो के थ्रू वैल्यूएशन करें, इनको लाइफो को करें, इनको वेटेड एवरेज, नहीं आप एक मेथड रखें सब इन्वेंट्री के लिए, सारे स्टॉक के लिए. आप चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर फाइफो से लाइफो में चले जाएं, फिर वेटेड में चले गए, एक रीजन जस्टिफाई रीजन करें. तो आप देखेंगे अगर कंपनी एक बार चेंज करती है, सेकंड टाइम देती है, हर ईयर तो नहीं चेंज कर सकेगी, ऑडिटर्स को मानेंगे नहीं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट गैप का प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी. अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग मेथड्स जो आप अप्लाई करते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी, उनमें तसलसल होना जरूरी है, ठीक है. हर एवरी ईयर अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज करना अच्छा नहीं है. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इससे कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, वो कंपनी की परफॉर्मेंस को सही एनालिसिस नहीं कर सकते, कंपैरिजन में प्रॉब्लम है. तो इसलिए कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओके. अब थर्ड वन आ जाए, थर्ड वन क्या है, मेटीरियलिटी. मेटीरियलिटी, मेटीरियल, ठीक है, वर्ड मेटीरियल से है. मेटीरियलिटी कहते हैं ना यार, क्या चीज आपको मैटर करती है, क्या मेटीरियल है आपके लिए. मैं आपसे कहूंगा जी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, तो आपकी असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं. मटेरियल है क्या, असाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसमें मार्क्स ना लें और अच्छी प्रेजेंटेशंस ना दें तो हमारा ओवरऑल ग्रेड डाउन हो जाता है. तो ये मटेरियल है हमारे लिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके आपका MBA में ओवरऑल CGPA कितना आ रहा है, 3+ है, 3.20 है, 3.5 है, 3.1 है, आप कहेंगे 3+ है, अगर 3 से नीचे आ जाता है तो मुझे जॉब लेना या मुश्किल रहेगा, तो मेरे लिए वेरी मटेरियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि मैं 3+ CGPA लूं ताकि मुझे अच्छा जॉब मार्केट मिले. तो मटेरियलिटी वहीं से लफ्ज आया कि मटेरियल क्या मैटर करता है, क्या फर्क पड़ता है. मटेरियलिटी, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट. ये टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ओमिशन और मिसस्टेटमेंट. इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट किस पे अफेक्ट करे, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल. अगर
कोई ऐसी चीज, ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा इवेंट, ऐसा एक्ट जो ओमिशन हो गया. ओमिशन होता है भूल जाना, ओमिट कर देना, नहीं हुआ, और मिस स्टेटमेंट या गलत बताना. देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन ओमिशन एंड मिस स्टेटमेंट. ओमिशन हो गया, आप नहीं कर सके, भूल गए, नहीं चीज सामने आई, ओमिशन हो गया. मिस स्टेटमेंट होता है कि आपने जानबूझ के मिस इंफॉर्मेशन दी है. सो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अगर इज मटीरियल, वो मटीरियल इंफॉर्मेशन होगी, इफ इट्स या तो भूल गई हो या फिर वो मिस स्टेटमेंट हो, और उसका असर हो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन पे पड़ता हो. उसका असर किस पे पड़ता हो? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन पे पड़ता हो. लेट्स सी, आपने कंपनी के कोई शेयर बाय किए, करने जा रहे हैं आप एक कंपनी के शेयर बाय करने जा रहे हैं. क्यों? आपने उस कंपनी में देखा है कंपनी ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी ने बहुत अच्छे डिविडेंड्स दिए, आप खुश, आपने देखा है, आपने स्टेटमेंट से इंस्पायर्ड हुए, आप इम्प्रेस हैं उनकी परफॉर्मेंस से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, और आप जाकर उस कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं. आपने जब शेयर बाय कर लिए, आप यूजर्स है ना, आपने डिसीजन किया, डिसीजन मेकिंग की आपने, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की कि मैं आई एम गोइंग टू बाय द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी बिकॉज दे परफॉर्म्ड वेरी वेल लास्ट ईयर, बिकॉज दे अर्न वेरी गुड प्रॉफिट, बिकॉज दे डिक्लेयर्ड वेरी हैंडसम डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स. जब आपने शेयर्स बाय कर लिए, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये तो रिवर्स इन्होंने काउंटिंग किए, क्यों? कुछ चीजें भूल गए थे लिखने, कुछ एक्सपेंसेस या कुछ लॉसेस ओमिट हो गए थे, ओमिशन हो गई थी. अगर वो चीज दोबारा की जाए, ठीक है, रीस्टेट की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की परफॉर्मेंस वो नहीं है जिस परफॉर्मेंस को देखे मैंने शेयर्स बाय किए थे, या कंपनी ने कोई मिस स्टेटमेंट की है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, अब उसको ठीक कर रहे हैं या करनी चाहिए, इस अगर ये चीज़ कर सही कर दी जाए तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत नीचे आ जाता है. तो ये मटेरियल है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है ना. तो ये जो मटेरियल होता है, इन्फॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मटेरियलिटी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट FS, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द FS मस्ट देयरफॉर बी कंप्लीट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स in order for them to present a true and fair view of the affairs of the entity. Financial statements mein jo bhi information ho wo must hai ke wo true and fair view picture kar rahi ho, theek hai. Must therefore be complete in all material aspects, theek hai. वो ऑल मटेरियल एस्पेक्ट से कंप्लीट हो इन ऑर्डर फॉर देम टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर ऑफ द फेस ऑफ द एंटिटी. मटेरियलिटी इज रिलेटेड टू द साइज एंड पर्टिकुलरली सर्कमस्टांसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज. मटेरियलिटी इज रिलेटेड टू द साइज. अब डिपेंड करता है ना कि साइज ऑफ द साइज एंड पर्टिकुलरली सर्कमस्टांसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज. लेट्स सी, एक कंपनी है, छोटी कंपनी है, सोल ट्रेडर है, छोटी कंपनी है, उस कंपनी का प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपीस. कितना प्रॉफिट होता है? 1 लाख रुपीस. अब वहां पे एक एक्सपेंस था जो 20,000 रुपीस का था, वो एंटर नहीं हुआ, वो ओमिट हो गया है, ओमिशन हो गया, भूल गए. एक खर्चा हुआ है 20,000 का, 20,000 का, वो नहीं लिखा गया, और कंपनी का प्रॉफिट शो किया गया है 1 लाख रुपीस, ठीक. अब वो कंपनी, आप देख रहे हैं साइज ऑफ द कंपनी, छोटी कंपनी है, 1 लाख रुपीज उसको वो प्रॉफिट अर्न किया, 20,000 का जो एक्सपेंस था वो अभी शो नहीं हुआ, भूल गए. जब 20,000 का एक्सपेंस शो करेंगे तो प्रॉफिट जो है 1 लाख से कितना हो जाएगा? 80,000. तो ये 20,000 जो है ये मटेरियल एरर है, मटेरियल है कि
1 lakh अर्न था, 20,000 चला गया, आपके पास 80,000 है, ये मटेरियल है। लेकिन एक कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है 20 लाख रुपीस, फॉर एग्जांपल कितना, 20 लाख रुपीस, और उससे 40,000 का एक एक्सपेंस मिस हो गया, क्या ये मटेरियल है? नो, ये 40,000 का, जहां 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 40,000 शायद मटेरियल ना हो। सही हमने करना है दोनों कंपनीज का, जो पहली एग्जांपल मैंने आपको दी, 1 लाख एक कंपनी अर्न करती है, 20,000 का प्रॉफिट, उससे 20,000 का एक्सपेंस इंटर करना भूल गए, वो इंटर करेंगे लेकिन ये मटेरियल नहीं है, इंटरफेयर भी करेंगे, चाहे मटेरियल है चाहे इमटेरियल है, बुक्स को सही करना है लेकिन ये मटेरियल नहीं है। एक तरफ कंपनी अर्न करती है 20 लाख रुपीज और 40,000 का प्रॉफिट अभी एंटर नहीं हुआ, तो वो एंटर तो करेंगे, सही करेंगे उसको, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक जाने देंगे, ठीक है तो 40,000 अमिट हो गए दोबारा एंटर कर दें, तो वो इमटेरियल। सो मटेरियलिटी इज रिलेटिवली टू द साइज एंड पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल, साइज पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, मटेरियलिटी एग्जाम्पल, a default by a customer who owes only ₹1,000 to a company having net assets of worth of ₹10 million is immaterial to the FS of the company. एक कस्टमर है कंपनी का, उसने कंपनी के पैसे देने थे ₹1,000, लेकिन कंपनी के अपनी वैल्यू कितनी है, 10 million। वो कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, नहीं दे रहा, और किसी वजह से स्टेटमेंट में ये चीज गई नहीं है, डिफॉल्ट बाय कस्टमर हु वाज ओनली ₹1,000 टू कंपनी हैविंग नेट एसेट वर्थ ऑफ 10 million। तो जिस कंपनी के 10 million के एसेट्स हैं और 1,000 उसके एक कस्टमर ने उसको देना था, वो डिफॉल्ट हो गया है, वो उसके लिए इमटेरियल है। हाउएवर, इफ द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट वॉज 2 million, द इंफॉर्मेशन वुड हैव बीन material to the FS, financial statements, omission of which could cause users to make incorrect business decision. Omission of which could cause users to make incorrect business decision. अगर वही कंपनी है जिसकी 10 मिलियन वर्थ है और 2 मिलियन का कस्टमर इंफॉर्मेशन नहीं गई है इसकी, और ये एक मटीरियल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कंपनी के एसेट्स हैं 10 मिलियन के और 1,000 सिर्फ एक कस्टमर का डिफॉल्ट है, वो मिशन हो गई है, नहीं लिखा गया, तो वो इमटेरियल एरर है, उसको हम ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि आप एफएस दोबारा उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ठीक कर देंगे। लेकिन सेम कंपनी है और 2 मिलियन की जो है इंफॉर्मेशन वो नहीं है, वो 2 मिलियन एंटर जो नहीं किया वो मटीरियल है, उसके लिए आपको एफएस को ठीक करना होगा, ठीक है, ये मटेरियल है। ओके, सो आई होप मटेरियल और इमटेरियल इंफॉर्मेशन, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैप, गैप जनरली सेफ्टी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेसिक प्रिंसिपल है मटेरियलिटी। अनदर एग्जांपल ऑफ मटेरियलिटी इज, इफ अ कंपनी इज प्लानिंग टू करटेल इट्स ऑपरेशन इन जियोग्राफिक segment which has traditionally been a major source of revenue for the company in the past, then this information should be disclosed in the financial statement. It is by its nature material to understanding the entity's scope of operation in the future. Ek company wo decide kar rahi hai ek apna segment, ek apna area production segment hai wo usko band kar rahi hai, और वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कंपनी का, तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है ना। अच्छी एग्जांपल है ये कि कंपनी है वो जियोग्राफिकली जहाँ जिस एरिया से ज्यादा उसको रेवेन्यू आ रहा था वो सेगमेंट अपना बंद कर रही है, और ये इंफॉर्मेशन शेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है, क्योंकि ये मटीरियल इफेक्ट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को, ये मटीरियल है। सो दिस इज ऑल अबाउट मटीरियलिटी, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, अगेन जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मटेरियलिटी, विच आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल विद आई थिंक 2 or 3 वेरी गुड एग्जाम्पल्स, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ द लास्ट
and important basic principles of GAAP is prudence. Prudence. Prudence का क्या मतलब है? Clever, intelligent. उर्दू में आप इसको कह सकते हैं होशियार, समझदार, प्रूडेंस. और ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मैंने बताया कि फाइव के फाइव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गैप बड़े इंपॉर्टेंट है. आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएंगे. आप ये टर्मिनोलॉजीज अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में जरूर सुनेंगे. आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, जॉब इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है, बताएं बिजनेस एंटिटी क्या है, बताएं गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, मेटेरियलिटी क्या है एंड प्रूडेंस क्या है. सो इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. प्रूडेंस मीन्स दैट नॉर्मली अकाउंटेंट विल टेक द फिगर विच विल अंडरस्टेट रादर देन ओवरस्टेट द प्रॉफिट. मीन्स दैट नॉर्मली अकाउंटेंट विल टेक द फिगर विच विल अंडरस्टेट rather than overstate the profit. ये understate and rather understand overstate important है. ये वर्ड आप ध्यान में रखें. Very often an accountant has to make a choice to which figure he or she will take for a given item. Prudence basically आपको ये बताता है कि आप अपने figures को understate करके बताएं, overstate करके नहीं बताएं. मतलब ज्यादा ओवरस्टेट करके फिगर्स ना बताएं. फिगर्स कौन सी फिगर्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर्स जो हैं वो अंडरस्टेट रखें. ओवरस्टेट, ज्यादा ओवरस्टेट करके चीजें ना बताएं. ये समझदारी है, प्रूडेंस ये कहता है. क्योंकि सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, गैप्स हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये यूजर्स के लिए बने हैं कि यूजर्स को ट्रू एंड फेयर पिक्चर हो. आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, वो चीज ऐसी नहीं है. ठीक है, ठीक है, आपने assumptions ली हुई है, ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, और ऐसे बता रहे हैं. नहीं, आप अंडरस्टेट करके बताएं, चीजें ओवरस्टेट करके ना बताएं. कल को ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, यूजर्स के लिए अच्छा है. लेकिन ऐसा ना हो कि आप चीजें ऐसे करके बयान करें, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के बताएं और फ्यूचर में वो रिजल्ट नहीं आए तो जो यूजर्स हैं वो उनको आप फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. सो मेन थ्रश प्रूडेंस का यही है. Normally accountant will take the figure which will understate rather than overstate the profits. Prudence, the prudence concept means that normally he or she, whatever accountant, will take the figure which will understate rather than overstate the profit. Accountant account for all future losses. जब हम कहते हैं ना understate, आपको future में कोई losses होने जा रहे हैं. For example, कोई भी future में losses होने जा रहे हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद ये ऐसा हो जाए, तो वो आप अकाउंट फॉर करें, अपने उसकी प्रोविजन लें, अपने अकाउंट्स में उसको रखें कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है. लेकिन डू नॉट अकाउंट फ्यूचर गेंस. अगर आप फ्यूचर में कोई एक्सपेक्ट करें, कोई प्रॉफिट हमें आ रहा है, अभी आया तो नहीं है ना, लेट्स सी, अगर आप कोई फ्यूचर गेंस को भी अकाउंट फॉर करते हैं और कल को आपको प्रॉफिट नहीं होता, तो आप यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है. ऑल प्रूडेंस कहता है, समझदारी यह है कि जो भी फ्यूचर के लॉसेज हैं, ठीक है, जो फ्यूचर के लॉसेज हैं वो अकाउंट फॉर किए जाएं, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट्स अकाउंट फॉर ना किए जाएं. वैसे भी समझदारी है. आप अपनी डेली लाइफ में देखें, आप अपने वैसे सेविंग्स करते हैं, कोई फ्यूचर में लेट्स सी आप अपनी फीस देनी है, फ्यूचर में अपनी फीस पे करनी, उसके लिए आप सेविंग करके रखते हैं, आपने कोई अपने हॉस्पिटल्स के खर्चों के लिए भी सेविंग करके रखते हैं, और किसी भी फ्यूचर में ऐसी जरूरियात जिंदगी के लिए जिसके लिए आपको एकदम पैसों की जरूरत पड़ सकती है, आप थोड़ी सी सेविंग्स उसके लिए रखते हैं. लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप सोच रहे कि मुझे फ्यूचर में जॉब मिलेगी 50,000 की मिलेगी, 1 लाख की मिलेगी, 5 लाख की मिलेगी, 8 लाख रुपीज की जॉब मिलेगी, तो मैं क्यों अभी से खर्चे करने शुरू कर दूं. ठीक है, ऑल दो कि आपको आप क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंसड हैं, आपको जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन जॉब मिली नहीं है, लेकिन आप अज्यूम करेंगे मुझे जॉब मिलेगी, 5 लाख रुपीज वाली जॉब मिलेगी, तो मैं अभी से खर्चे करने शुरू कर दूँ, तो ये समझदारी तो नहीं है. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन अकाउंटिंग कि आप फ्यूचर लॉसेज या फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज जो है उनको अकाउंट फॉर अपने उसमें कर लें. अगर नहीं होंगे, लेट्स सी आपने प्रोविजन रखी है, नहीं लॉस हुआ, तो प्रोविजन रिलीज हो जाएगी,
ठीक है, अच्छी खबर आएगी यूजर्स के पास कि हाँ जी एक्स्ट्रा पैसे और आगे रिजर्व अकाउंट से, क्यों ये हमने रखे थे किसी एक एक चीज इस प्रवीण के लिए रखे थे और वो चीज नहीं हुई तो हमें पैसे वापस आ रहे हैं, अच्छी चीज होगी। लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स आप अकाउंट फॉर ना करें, फ्यूचर प्रॉफिट्स आप अकाउंट फॉर ना करें। एग्जांपल्स, लॉ केस इन अ कोर्ट, वेरी गुड एग्जांपल। लीगल एडवाइजर्स व्यू 60% चांसेस टू लूज मेक अ प्रवीण। आपकी कंपनी का कोर्ट में केस चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है, कोर्ट में आपकी कंपनी के अगेंस्ट एक कस्टमर फॉर एग्जांपल चला गया है, उसने कोई भी केस किया आपकी कंपनी का, और आपकी कंपनी का जो लीगल एडवाइजर है वो आपको एडवाइज कर रहा है कि चांसेस हैं 60% कि हम ये केस हार जाएं और हमें कंपनसेशन के तौर पे इस कस्टमर को 10 लाख रुपीस फॉर एग्जांपल देना पड़ जाएगा। ठीक है, कोर्ट में केस है, अभी डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन आपका जो लीगल एक्सपर्ट है, आपका लॉयर है, आपकी लीगल टीम आपको बताती है कि 60% चांसेस है कि हम केस हार जाएंगे और हमें फिर इस कस्टमर को 10 लाख रुपीस देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं अच्छा जी ठीक है, अगर हार गए तो हम पैसे दे देंगे, लेकिन ये देखें कि अगर आप फ्यूचर में केस हारते हैं चांसेस 60% है, तो प्रूडेंस कहता है अंडर स्टेट योर प्रॉफिट नॉट ओवर स्टेट। अगर आप इसकी प्रोविजन नहीं रखते और फ्यूचर में आप केस हार जाते हैं, तो अभी जो आप प्रॉफिट शो कर रहे हैं यूजर्स को उसमें आपने 10 लाख की प्रीमियम नहीं रखी हुई, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए प्रूडेंस कहता है समझदारी इसमें कि ये जो 10 लाख की फॉर एग्जांपल 10 लाख आपको लॉस हो जाएगा अगर आप केस हार जाते हैं, उसकी प्रीमियम अभी रख ले। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, उसकी प्रीमियम अभी अकाउंट में रख ले, अगर वो केस हम हार जाते हैं तो हमें 10 लाख रुपए दे देंगे और अगर नहीं हारेंगे तो 10 लाख रुपए दोबारा हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। So, law case in a court, legal advisor view 60% chance to lose make up provision. Second example, booking in a hotel, wedding halls. This is also a very good example. Booking in a hotel, in a wedding hall. Wedding hall में शादियों की booking होती है, hotels में जो शादियों की booking होती है उसमें यह है कि wedding hall book हो जाते हैं। ठीक है, 2 months, 3 months, even जो famous wedding hall है वो 5 or 6 months पहले book होते हैं। अब जो वेडिंग हॉल जब बुक होता है, आज लेट्स सी वेडिंग हॉल बुक हुआ है, 2 मंथ्स के बाद शादी है, 10% डिपॉजिट दे देंगे, मैक्सिमम 20% दे देंगे डिपॉजिट्स, इतने ही होगा ना। अब जब शादी होगी फिर 80% मिलेगा, ऐसे है। तो प्रूडेंस ये बता रहा है कि अगर आज आपने अपना शादी हॉल बुक, होटल पॉइंट ऑफ व्यू से होटल वालों ने आज शादी हॉल बुकिंग ली है, वो उस बुकिंग को आज सेल नहीं शो कर सकते, क्यों, उन्होंने सिर्फ 20% लिया है, 80% अभी नहीं लिया, इसलिए वो सेल नहीं हुई है, वो सिर्फ डिपॉजिट अकाउंट में रखते हैं। जब टू मंथ्स के बाद या जो भी टाइम है, जिस टाइम पे फंक्शन होगा, फंक्शन कंप्लीट होगा और फुल पेमेंट मिलेगी, फिर आप उसको अपनी सेल डिक्लेयर करें, फिर आप उसको सेल डिक्लेयर करें। अब आप देखें इसमें प्रूडेंस क्या कहता है, प्रूडेंस ये बता रहा है डोंट ओवरस्टेट, अंडरस्टेट योर प्रॉफिट। अब जो होटल की एग्जांपल है, बुकिंग इन होटल वेडिंग हॉल की एग्जांपल है, आज होटल वाले बुकिंग ले रहे हैं और शादियां हो रही हैं एक एक माह के बाद हो रही हैं, वो आज जितनी भी बुकिंग ले रहे हैं और वो जाके शो कर रहे हैं हमारी सेल है जी 20 मिलियन की, फॉर एग्जाम्पल सेल शो कर रहे हैं 20 मिलियन की, और उसके बाद उन्हें पता चलता है 20 मिलियन की सेल नहीं थी, ये सेल एक्चुअली 15 मिलियन की थी, 5 मिलियन की कैंसिलेशन हो गई है, किसी भी वजह से कुछ शादियां कैंसिल हो गई हैं, बुकिंग हमारी कैंसिल हो गई, हमने डिपॉजिट वापस किए हैं, कुछ टोकन रख लिया। इसलिए प्रूडेंस बता रहा है कि नहीं, जिस टाइम आप होटल की बुकिंग ले रहे हैं, आप जब डिपॉजिट ले रहे हैं, वो डिपॉजिट अकाउंट में रखें, वो सेल शो मत करें। जब सेल उस टाइम पे शो करेंगे जब वो 80% आपका जब कंप्लीट पेमेंट आपको हो जाएगी। ठीक है, सो प्रूडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूडेंस। प्रूडेंस आपको बताता है कि अकाउंट फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस, डू नॉट अकाउंट फॉर फ्यूचर गेंस, बस ये आप ध्यान में रखें, अंडरस्टेट योर प्रॉफिट, डोंट ओवरस्टेट योर प्रॉफिट, अकाउंट फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस, डू नॉट अकाउंट फॉर फ्यूचर गेंस, एंड दीज टू एग्जाम्पल विच आई गेव यू, लॉ केस एंड बुकिंग इन होटल, ये आप ध्यान रखें। लॉ केस की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि कंपनी का केस कोर्ट में केस है, एक
अगेंस्ट एनी कस्टमर, उसने किया कस्टमर ने, आप लीगल टीम कह रही है कि यू विल लूज द केस, आप उसकी प्रोविजन रख लें, ठीक है। और होटल की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। तो ये बेसिक फाइव प्रिंसिपल्स हैं गैप के, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिजनेस सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मेटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न एंड प्रूडेंस, ये फाइव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गैप। गैप क्या है, यूके गैप, यूएस गैप, ये क्या चीज है, इनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी लॉ इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। और ये अब आप नेक्स्ट क्लास में जब लेक्चर 10 इंशाल्लाह आप लेंगे तो आपने अच्छी तरह मुझे इसका आंसर्स करने हैं, ठीक है। आई अगेन एट द एंड वुड एडवाइस यू वेरी स्ट्रांगली, प्लीज आफ्टर द लेक्चर टेक अ ब्रेक एंड देन रीड द बुक्स, बाबर इसको आपस में डिस्कस करें, जो चीज समझ में नहीं आती है बिजनेस डिक्शनरी कंसल्ट करें, लेकिन समझ के पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर हों तो आपको हर चीज पे इजी लगेगी, कंसेप्ट क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप आई होप क्या ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप स्टडी जरूर करें, सेपरेट स्टडी करना भी बहुत अच्छा होता है, सेपरेट स्टडी से एक आप एवरीबॉडी नीड टू स्टडी समटाइम सेपरेट, आपको करनी चाहिए, सेपरेट स्टडी करने के बाद फिर ग्रुप डिस्कशन करें। लेकिन जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती या मुश्किल लगती है, आप अपने शेयर नॉलेज शेयर जरूर करें। ओके, दिस इज ऑल टूडेज, सो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन लेक्चर 10. Thank you and good office.